फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पनीर। क्रिस्पी पनीर उपवास स्पेशल क्रिस्पी पनीर है। ये उपवास में हम इजीली इसे बनाकर खा सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी डाइट है उपवास में खाने के लिए। यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और झटपट और बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं हमेशा उपवास में इसे बनाकर खाती हूँ। और उपवास के अलावा भी आप इसे बच्चों के स्नैक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। छोटी मोटी भूख के लिए आप इसको क्रिस्पी पनीर को बनाकर देंगे बच्चों को, तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए हेल्दी और टेस्टी डिश रहेगी, इसलिए आप इस क्रिस्पी पनीर को जरूर बनाइए और खिलाइए। आइए हम बनाते हैं क्रिस्पी पनीर। कर मैंने पैन रख दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। पैन में घी को डाल दिया है। मैंने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं, स्क्वायर साइज के। आप जिस भी शेप में करना चाहते हो उस शेप में इसको काट सकते हो। और अब घी में मैं पनीर के टुकड़ों को डालूंगी। अच्छे से हम इसमें फ्राई करेंगे। इस प्रकार से हिलाते हुए लगातार हमें पनीर को घी में तलना है। एक चम्मच घी ही काफी है इसको तलने के लिए। इस प्रकार से देखिए, और पलट पलट करके इसे तलना है हमें। इस साइड गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको पलट दीजिए और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। इस प्रकार से हमें सारे पनीर को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है घी में। हमें बिल्कुल इस प्रकार से एक एक करके इसे पलटना है और जो भी साइड इसकी ब्राउन हो जाए वो फिर दूसरी साइड से इसको इस प्रकार से करना और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना है हमें। आप गैस बिल्कुल स्लो रखिए, हाई रखेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए स्लो गैस पर ही हम इसे तलेंगे। गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो गए हैं और अच्छे से तल गए, क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि पैन वैसे भी गर्म है तो वो अपने आप पैन में ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, इसलिए गैस मैंने बंद कर दिया है। देखिए एकदम क्रिस्पी हो गए हैं सारे पनीर के टुकड़े हमारे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। इस प्रकार से आप अगर बना के खाएंगे तो दूसरी चीज बनाकर खाना भूल जाएंगे उपवास में, और हमेशा ये ही बनाकर खाया करेंगे। ये देखिए थोड़े ठंडे हो गए हैं पनीर हमारे। ये देखिए आवाज से आपको पता चल रहा है कितने क्रिस्पी हो गए हैं ये। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें सेंधा नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। उपवास में आप जो भी चीज खाते हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं, सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर। मैं इसमें नमक और जीरावन पाउडर डालकर खाना पसंद करती हूँ। अगर आप जीरावन पाउडर नहीं खाते हैं तो जीरा पाउडर ही डाल सकते हैं। इस प्रकार डालकर आप इसको अच्छे से इस प्रकार से मिक्स कर लीजिए ताकि सारा मसाला इसमें लग जाए, इसमें अच्छे से सारा मसाला लग जाए। और आपको इसको और टेस्टी बनाना है तो आप इसे नींबू का थोड़ा सा रस भी डाल सकते हैं। और मुझे प्लेन पसंद है इसलिए मैं प्लेन ही खाना पसंद करती हूँ। बहुत इजी तरीके से और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये लीजिए, रेडी है क्रिस्पी पनीर। आप इसे बनाकर जरूर खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।